एशिया का एक छोटा देश है उत्तर कोरिया, जिसका आधिकारिक नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सिर्फ नाम से लोकतांत्रिक यह देश आए दिन अपने शासक दुनिया का सबसे क्रूर और सनकी तानाशाह किम जोंग उन के कारण सुर्खियों में बना रहता है। पर ये सुर्खियां अच्छे कामों के लिए कभी नहीं होती। कभी किम जोंग उन शक्तिशाली देश अमेरिका को आंख दिखाता है, तो कभी बीते जमाने के सुपर पावर रूस से नजदीकियां बढ़ाता नजर आता है। हाल फिलहाल किम जोंग उन यूक्रेन के विरुद्ध रूस के मददगार के रूप में चर्चा में है। कमाल की बात यह है कि उत्तर कोरिया ने चोरी छिपे परमाणु हथियार भी बना लिए हैं और इसके पास इतनी शक्तिशाली इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं कि उसने अमेरिका को निशाना बनाकर मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। किम जोंग उन ने कोरिया को अपनी निजी जागीर बनाकर बाकी दुनिया से अलग कर रखा है। उसे डर है कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आने पर लोग उसके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। आज उत्तर कोरिया किम जोंग उन के सनक भरे निर्णयों के कारण बर्बाद हो चुका है। मानवाधिकार की बात तो छोड़िए, वहां के निवासी चैन से अपनी मर्जी का जीवन भी नहीं बिता सकते। वे अच्छे जीवन की तलाश में चोरी छिपे देश से भागते हैं, लेकिन 99% लोग पकड़े जाते हैं और उनकी हालत जानवरों से भी बदतर कर दी जाती है। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के हुक्म को न मानने की सजा केवल मौत है। आज एक्सप्लेनर के इस खास एपिसोड में देखिए कि क्यों उत्तर कोरिया एक तानाशाह के सनक के कारण बर्बाद होकर दुनिया के लिए एक खतरा माना जाने लगा है। उत्तर कोरिया के बारे में आगे जानने से पहले इस पहले एपिसोड में जानते हैं कि उत्तर कोरिया पर शासन करने वाले किम जोंग उन के कारण उसका देश कैसे हर क्षेत्र में पिछड़ गया और आज ऐसा क्यों है कि कोई नहीं चाहता कि वह उत्तर कोरिया की यात्रा करे। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के गठन के बाद उस पर शासन करने वाला तीसरा व्यक्ति या कहें तो तानाशाह है। उत्तर कोरिया के गठन के बाद किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग ने लोकतांत्रिक देश की सत्ता संभाली, पर उसने धीरे धीरे देश पर अपना प्रभुत्व जमाया और कब एक लोकतांत्रिक देश से उत्तर कोरिया एक तानाशाह की निजी मिल्कियत बन गया कोई समझ ना पाया। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा किम जोंग इल शासक बना, पर उत्तर कोरिया के बुरे दिन समाप्त नहीं हुए और देश हर क्षेत्र में दुनिया के मुकाबले पिछड़ता चला गया। 2011 में किम जोंग इल के गुजरने के बाद किम जोंग उन ने सत्ता संभाली और तब से उत्तर कोरिया के निवासी नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वहां हर 5 साल पर चुनाव होते हैं, पर किम का प्रतिद्वंदी कोई नहीं होता और वह 100% वोट पाकर लोगों के जीवन को और बर्बाद करने के लिए सत्ता में लौट आता है। किम जोंग उन का जन्म उत्तर कोरिया में ही हुआ, पर उसने अपना आरंभिक जीवन स्विट्जरलैंड में बिताया और अपनी सारी शिक्षा भी वहीं से प्राप्त की। ये एक रिसर्च का विषय है कि स्विट्जरलैंड जैसे मजबूत लोकतांत्रिक देश में पला बड़ा और शिक्षित किम जोंग उन आखिर इतना निर्मम कैसे बन गया। किम ने शासक बनते ही एक के बाद एक अपने विरोधियों की जान ले ली, यहाँ तक कि अपने चाचा सहित 30 लोगों और 2017 में अपने सौतेले भाई की भी हत्या करवा दी, सिर्फ इस डर से कि वह उसके प्रतिद्वंदी बन सकते हैं। किम जोंग उनके पास कोरिया की सत्ता संभालने वाली वर्कर्स पार्टी के महासचिव और राज्य मामलों के अध्यक्ष का पद है। जुलाई 2012 में किम कोरियाई पीपल्स आर्मी में मार्शल वो बना, जिससे वह सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी हो गया। उसे वहां सुप्रीम कहकर संबोधित करना अनिवार्य है। सच तो ये है कि किम जोंग उन एक जननेता से ज्यादा निरंकुश तानाशाह है। वे अपने निर्णयों और करतूतों के कारण दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह है। उसे एक महासनकी भी कहा जाता है। उसकी हर सनक उत्तर कोरिया के लिए कानून बन जाती है। उसकी सनक के किस्से बहुत मशहूर हैं, थोड़ा आप भी सुनिए।
उत्तर कोरिया में जींस पहनने पर पाबंदी है क्योंकि किम जोंग मानते हैं कि जींस अमेरिकी पहनावा है और अमेरिका को वह अपना दुश्मन नंबर वन मानता है। सरकारी आदेश है कि किम जैसे हेयर स्टाइल कोई नहीं रख सकता। किम ने कुछ हेयर स्टाइल्स को मान्यता दे रखी है, उन्हीं स्टाइल के बाल वहां के नागरिक रख सकते हैं। एक बार अपने पिता की बरसी पर किम ने फरमान सुनाया कि इस दिन ना तो कोई शॉपिंग कर सकता है ना ही कोई हंसेगा। किम कद में नाटा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया की सेना में किम से कम कद के लोगों की ही भर्ती होती है। किम जोंग की बेटी के नाम पर वहां के नागरिक अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते। किम के परिवार के सदस्यों के नाम से पहले रिस्पेक्टेड शब्द का प्रयोग करना सरकारी आदेश है। हाल ही में उत्तर कोरिया में बाढ़ आई तो किम जोंग ने राहत कार्यों पर ध्यान देने के बदले बाढ़ के लिए 30 अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें मौत की सजा दे दी। उत्तर कोरिया में इंटरनेट सबके लिए उपलब्ध नहीं है और सब साइट्स भी यहां नहीं देखे जा सकते। सरकार द्वारा स्वीकृत कुछ साइट्स ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। उत्तर कोरिया में इतिहास के नाम पर किम के दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक की कहानियां पढ़ाई जाती है। बचपन से ही वहां के बच्चों को किम के खानदान का कट्टर समर्थक बना दिया जाता है। किम के आदेश के अनुसार देश में पॉप म्यूजिक सुनना और विदेशी फिल्में देखना अपराध है। पकड़े जाने पर मृत्यु दंड दिया जाता है। दक्षिण कोरिया से किसी भी प्रकार का संबंध लोगों को मौत के द्वार तक पहुंचा देता है। यह मौत की सजा बच्चों तक पर भी लागू होती है। किम जोंग अय्याश भी हैं, कहते हैं कि उनकी सेवा के लिए हर साल पूरे उत्तर कोरिया से 25 वर्जिन लड़कियों को गहन छानबीन के बाद चुना जाता है। ये लड़कियां एक साल तक सुप्रीम की सेवा में रहती हैं। इस ग्रुप को प्लेजर ग्रुप कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उत्तर कोरिया पूरी तरह बर्बाद है। बहुत कम सामान वह निर्यात या आयात कर सकता है। यही नहीं, वहां तस्करी को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। सरकारी हैकर्स विदेशी बैंकों को हैक कर धन निकालते हैं और वहां पढ़े लिखे लोगों की सैलरी भी इतनी नहीं होती कि भरपेट भोजन कर सके। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया के ज्यादातर लोग कुपोषण और भुखमरी के शिकार हैं और उन्हें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। अब कैसे उत्तर कोरिया अस्तित्व में आया और कैसे उसकी दक्षिण कोरिया से दुश्मनी है, क्यों किम जोंग अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है और मन से खोटा यह तानाशाह क्यों नहीं चाहता कि दोनों कोरियाई देश विलय करके आगे बढ़े, जानेंगे दूसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद। रिदम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रिदम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रिदम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रिदम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।